भाटावारा में न्यायपारा वार्ड की महिलाओं ने बड़ी संख्या में हाथों में तख्ती लेकर रैली निकाली और जय स्तंभ चौक पहुंचकर रायगढ़ में महिला के साथ हुई दुर्घटना का विरोध जताया। अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा देने की मांग की। बता दें कि रायगढ़ क्षेत्र में एक महिला रक्षाबंधन के दिन मीना बाजार देख कर लौट रही थी। इसी दौरान युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। रायगढ़ में बहन जो है रक्षाबंधन के त्योहार में गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी और वो क्या बोलते हैं मीना बाजार घूमने के इरादे से अपने निकली हुई थी, लेकिन रास्ते में ही थे नशे की हालत में हमारी बहन को उठाकर ले जाकर दर्जन भर जो दरिंदे थे उसके साथ गैंग रेप किए हैं और उसको अधमरा छोड़ दिए हैं। और दूसरा जो है हमारे बीजापुर में भी हमारी एक बेटी है उसके साथ भी वही व्यवहार किया गया है। ये कब तक चलता रहेगा हमारी आदिवासी बेटियों के साथ? उसी प्रकार जो है मणिपुर में जो घटना घटी थी, मणिपुर में भी हमारी आदिवासी बेटी के साथ हुआ था। उस समय भी कोई भी जनता नहीं निकल पाई थी, कोई महिलाएं नहीं निकल पाई थी, नहीं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो हम कब तक इंसाफ का इंतजार करते रहेंगे? आज उसी के विरोध में हमारे नयापारा वार्ड से, हमारे भाटापारा से हमारी बहनें यहाँ पे जय स्तंभ चौक के पास इकट्ठा हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम लोग जल्द से जल्द जो दरिंदे हैं उनसे उनके लिए फांसी की डिमांड कर रहे हैं और उनको सार्वजनिक तौर पर फांसी की सजा दी जाए।